السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وبدع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا का अहदा और किताब रख दी जाएगी बस आप मुजरमों को देखेंगे कि उससे डरने वाले होंगे जो उसमें होगा और कहेंगे हाय हमारी बर्बादी इस किताब को क्या है ना कोई छोटी बात छोड़ती है और ना बड़ी मगर इसने जब्त कर रखा है और उन्होंने जो कुछ किया उसे मौजूद पाएंगे और आपका रब किसी पर म नहीं करता इस दुनिया में इंसान मुख्तलिफ किस्म के काम करता है कुछ अपनी बुनियादी ज़रूरिया पूरी करता है कुछ ज़िंदगी के मकासद को पूरा करता है कुछ छोटे काम होते हैं कुछ बड़े काम होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान खाता पीता है घर बनाता है शादी करता है माल कमाने के मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करता है इसी तरह दीन के मामले में जो चाहता है अख्तियार करता है जो चाहता है छोड़ देता है या रद्द कर देता है फिर अपनी सोच के मामले में अपने ख्याल के बारे में जो चाहता है सोचता है जो चाहता है बोलता है और यह भूल जाता है कि जो कुछ वो इस दुनिया में कर रहा है उसका रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है वो सब कुछ लिखा भी जा रहा है याद रहे कि जो कुछ इंसान को यहां मिला है वो इम्तहान के लिए है वक्ती तौर पर है और उन सब नेमतों का जो दुनिया में उसे मिली हैं उनका एक दिन हिसाब होगा उससे पूछ गुछ होगी कि उनको किस काम में इस्तेमाल किया उस वक्त इंसान को शिद्दत से एहसास होगा कि या लई तनी कदम तो लिहायाती ए काश के मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता क्योंकि जिंदगी तो अब शुरू हुई है जिंदगी भर में यानी इस दुनिया की जिंदगी में जो कुछ दुनिया की तरक्की के लिए किया होगा वो पीछे छोड़ दिया और नामा में वो सब कुछ दर्ज होगा उसके सामने होगा इंसान बेकरार होकर पुकार उठेगा ये कैसी किताब है जिसने ना कोई छोटी बात छोड़ी ना कोई बड़ी मगर उसे शुमार कर रखा है तो आइए देखते हैं कि ये कैसी किताब है ये किताब जिंदगी है जिसे नामा कहा जाता है तो हमारा आज का मौजू है कि नामा क्या है तो इरशाद बारी ताला है अल किताब और किताब रख दी जाएगी कौन सी किताब किताब ज़िंदगी यानी दुनिया की ज़िंदगी में इंसान ने जो कुछ भी किया होगा उसका नाम अमाल जो भी फ़रिश्तों ने तैयार किया होगा इंसान के दाएं या बाएं हाथ में रख दिया जाएगा दे दिया जाएगा फतरल मुजरम मुशफ़ीना तो आप मुजरमों को देखेंगे कि डर रहे होंगे यानी नाफ़रमान सरकश लोग उसको डरते हुए देखेंगे क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा वो अपने जरायम देख लेंगे जो उन्होंने आगे भेजे होंगे वू ना वई लता मा लिहा किताब और वो कहेंगे हाय बर्बादी हमारी हाय अफ़सोस हम पर क्या हो गया है इस किताब को यानी जब इसका मायना करेंगे तो बोल उठेंगे हाय हमारी हलाकत इस किताब को क्या है लादरस इल्ला अहसाहा कि हमारी कोई छोटी बड़ी चीज़ कोई भी काम हमारा इसने नहीं छोड़ा सब का सब यहाँ दर्ज है आमिलू हादरा और दुनिया में जो कुछ उन्होंने अमल किए होंगे वो सब वहाँ मौजूद पाएंगे वला यज्ल मबू का अहदा और तेरा रब किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा यानी फरिश्तों ने बंदों का नाम अमाल जो लिखा होगा वही दिया जाएगा बंदों को और कुछ के दाएं हाथ में कुछ के बाएं हाथ में और जजा भी उसी के मुताबिक दी जाएगी उमर रजों ने उबई काब से कहा हमें आखरत के बारे में कोई हदीस सुनाए क्यामत के दिन लोहे महफूज उठा ली जाएगी और मखलूक में से हर एक अपने अमल की तरफ देख रहा होगा फिर वो सहीफे लाए जाएंगे जिनमें बंदों के अमाल होंगे और वो अर्श अर्शक गिर्द बिखर जाएंगे और इसी के बारे में फरमाया वतर अल मुजरम तो बात यह है कि इंसान को अपना नामा यामाल देखना होगा और देख कर वो अपने आप को ही कोसेगा अपने खबीसमाल को देख कर वावेला करेगा और परेशान होगा और फिर किताब के बारे में कहेगा कि इसको क्या है तो याद रखिए कि हमारे आमा यामाल में दो तरह की चीज़ें हैं दो तरह के गुनाह हैं एक सगीरा गुनाह है और एक कबीरा गुनाह है सगीरा और कबीरा गुनाहों से मुराद क्या है इब्न अब्बास उसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि जैसे कबीरा जोर से हंसना और सगीरा मुस्कुराना यानी यही फ़र्क है है दोनों हंसी की किस्में यानी ये गुनाह नहीं जरूरी नहीं कि गुनाह हो लेकिन डिफ्रेंश इस तरह किया जा सकता है कि एक ही अमल बात बहुत संगीन होता है और बात उसका छोटा वर्जन होता है। सईद बिन जुबैर कहते हैं कि सगीरा से मुराद छोटे गुनाह में मुल्ब होना है छूना और बोसो किनार करना और कबीरा से मुराद जिना है कबीरा से पहले सगीरा गुनाहों का जिक्र है मा लिहादल किताबी ला युगा कबीर यानी जब और फ़ैल बिन एयास जो थे वो जब ये आयत पढ़ते थे तो कहते थे हाय अफ़सोस के लोग अल्लाह की बारगाह में कबीरा गुनाहों से पहले सगीरा गुनाहों के बारे में चीखते हुए शिकायत करेंगे और फिर यहाँ पर अहसा अहसा का लफ्स इस्तेमाल हुआ है अहसा का मतलब होता है उसने शुमार कर रखा होगा अहाता कर रखा होगा और फिर ये किस चीज़ का चाहे इंसान की ज़बान से कोई लफ्ज़ निकले या उसके कोई एक्शन हो इमाम करतुबी अपनी तफसीर में कहते हैं कि इंसान की हर चीज़ उसके ज़िम्मे लिख दी जाती है यहाँ तक कि बीमारी में उसका हाय हाय करना भी लिखा जाता है या आह आह जो करता है एक कॉल है कि हर वो चीज़ जो ज़बान से इंसान बोलता है वो लिख दी जाती है इमाम अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बीमारी में हाय हाय कह रहे थे तो ताउस की तरफ से उनको यह बात पहुंची कि ताउस ने कहा कि फरिश्ता हर बात लिख लेता है यहां तक कि बीमारी में की जाने वाली हाय भी लिखता है इसके बाद इमाम अहमद ने कभी हाय हाय नहीं की यहां तक के फौत हो गए उसके बजाय अल्लाह का जिक्र करते होंगे कतादा कहते हैं कि लोगों को नाम अमाल से यह शिकायत होगी कि इसने हर चीज को रिकॉर्ड कर दिया है कोई यह नहीं कहेगा कि हम पर जुल्म हुआ है ये क्यों लिखा गया इस पर उनको एतराज नहीं होगा कि ये क्यों लिखा गया उनको परेशानी इस बात की होगी कि हर ही चीज लिखी गई सभी कुछ लिखा गया और फिर यह है कि वो अपने सामने उसको पाएंगे तो किसी पर भी जुल्म ना होगा ना नेक लोगों पर जुल्म होगा और ना गुनाहगारों पर जुल्म होगा ना नेक लोगों की इतात में से कोई कमी की जाएगी और ना गुनागारों के अजाब में कुछ इजाफा किया जाएगा क्योंकि अल्लाह सुबहान किसी पर भी जुल्म नहीं करता इन अल्लाहलम़ाला ज़र्रता व इन तक हसन तई उदायफ़ हा व तमिल्ल अज़रन अज़ीम बेशक अल्लाह एक ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता और अगर एक नेकी होगी तो उसे दुगना कर देगा और अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता करेगा सूरतबिया में आता है व नदा उलमवाजी अल्कस्तियो मिल्क़ियाम फ़लातुज़लमसन शई आ व इनका मिन खरदलिन अतना बिहा कफ़ा बिना हासिबीन और हम क़यामत के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो एन इंसाफ होंगे फिर किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म न किया जाएगा और अगर राय के एक दाने के बराबर अमल होगा तो हम उसे भी ले आएंगे और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं अब्दुल्लह बिन उनस कहते हैं कि उन्होंने नबी सल्ला वम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह क़यामत के दिन बंदों को इकट्ठा करेगा या ये फरमाया कि लोगों को बरहना जिसम बेखतना बेजोर यानी बेजोर बेज़र जोर, बे जोर बे पर जमा फरमाएगा वो कहते हैं कि हमने कहा कि वहमन का क्या माना है यानी जो इस हदीस में लफ्स इस्तेमाल हुआ है आपने फरमाया कि उनके पास कुछ भी ना होगा यानी सिवाय अमाल में के अब उनके पास कोई चीज़ नहीं होगी फिर अल्लाह उन्हें ऐसी आवाज़ में पुकारेगा कि उसको दूर वाला इस तरह सुनेगा जैसे कि करीब वाला सुन रहा हो फरमाएगा मैं दयान, दयान का माना होता है ज़बरदस्त और खैर शर का बदला लेने वाला मैं दयान हूँ मैं बादशाह हूँ किसी जहन्म वाले को हक नहीं कि वो जहन्नम में दाखिल हो और उसका किसी जन्नती के पास हक हो यहाँ तक कि मैं उसे उससे बदला दिलवा दूँ और किसी जन्नती को जन्नत में दाखिल होने का हक नहीं और यह कि उसका किसी जहन्नमी के पास हक हो यहाँ तक कि मैं उससे उसका बदला दिलवा दूँ अगरचे वो एक तमानचा ही क्यों ना हो एक थप्पड़ी क्यों ना हो वो कहते हैं हमने कहा यह किस तरह होगा जबकि हम बरहना जिसम बेखतना और बेजरों पर आएंगे आपने फरमाया नेकियों और बुराइयों का मामला और तबादला होगा यानी किसी से किसी का माल नहीं लिया जाएगा क्योंकि माल तो होगा ही नहीं तो नेकियां अमाल नामे ही एक्सचेंज हो जाएंगे जिसके ऊपर किसी ने जुल्म किया होगा उसकी नेकियां मजलूम को मिल जाएंगी तो ये नामा अमाल दरअसल है क्या ये वो नामा अमाल है जो फरिश्ते लिखते हैं बनी आदम के तमाम अमाल खैर के भी और शर के भी इन नाम अमाल को तैयार करने के लिए फरिश्ते मक़र किए गए हैं जिनको करामन कातबिन कहा जाता है कुरान मजीद में आता है सूरत काफ में वलकद वक़द खलकनसान व नफसु व नहन अकरब अलह मिन हबल इजय तल्क़लम तल्क्न यमीन व शिमाल अनशमालद मायल फिजुमिन कलिन अल्दही रकीबन आतीद और बिलाशुबा यकीन हमने इंसान को पैदा किया और जो कुछ उसके दिल में वसवसा गुजरता है उसे भी हम जानते हैं यानी सिर्फ ज़बानी बातें ही नहीं बल्कि अंदर के ख़्यालत भी नीयतें भी और हम उसकी रगे जान से भी ज़्यादा उसके करीब हैं जब उसके हर क़ल व फैल को दो लेने वाले लेते हैं जो दाएं तरफ और बाई तरफ बैठे हैं वो कोई बात मुँह से नहीं निकालता मगर उसके पास एक तैयार निगरान होता है तो गोया जबान से निकलने वाला हर जुमला हर लफ्स हर आह हर हाय हर चीज़ लिखी जाती है यानी तैयार निगरान बैठा होता है जो फौरन झपट लेता है हर कलाम लिख लेता है ख़्वा वो अच्छा हो या बुरा हो यहाँ तक कि फ़रिश्ता उसकी ये बात भी लिख लेता है जब इंसान कहता है मैंने खाया मैंने पिया मैं गया मैं आया मैंने देखा ये सब बातें भी वो लिखते जाते हैं यहाँ तक कि जब जुमेरात का दिन आता है फिर उसके कौल और अमल पेश किए जाते हैं तो जिस कौल या फेल में भलाई या शर होता है उसको बाकी रहने दिया जाता है और बाकी की तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं और अल्लाह के इस फरमान से यही मुराद है यम हल्ला हमा याशा उत् व इन दु उमुल किताब अल्लाह मिटा देता है जो चाहता है और साबित रखता है यानी जो चाहता है और उसी के पास है असल किताब मामर कहते हैं कि हसन बसरी ने यह आयत तिलावत की अनिल यमीन व अनिल शुमाल कईद के जो दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हैं तो कहते हैं कि एबन आदम मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सहीफ़े को खोल दिया और तुम्हारे साथ दो मुअज्जज फ़रिश्ते मुकरर किए गए उनमें से एक तुम्हारे दाएं तरफ है और एक तुम्हारे बाएं तरफ है तो जो तुम्हारे दाएं तरफ है वो तुम्हारी नेकियों को रिकॉर्ड करता है और जो बाएं तरफ है बुराइयों को रिकॉर्ड करता है बस जो चाहो अमल करो जो चाहो अमल करो थोड़ा करो या ज्यादा करो यहां तक कि जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा नामा या अमाल लपेट दिया जाएगा फिर वो तुम्हारी गर्दन में तुम्हारे साथ तुम्हारी कबर में डाल दिया जाएगा यहां तक कि क्यामत के दिन एक ऐसी किताब की सूरत में निकाला जाएगा जिसे तुम खुला हुआ पाओगे और कहा जाएगा इकरा किताब कफा बिनफ्सिक लिया अलई का हसीबा अपनी किताब पढ़ लो आज तुम खुद अपने आप पर बतौर मुहासिब खुद ही हिसाब लेने वाले काफी हो अल्लाह की कसम उस हस्ती ने तुम्हारे साथ इंसाफी किया है कि उसने खुद ही तुम्हें तुम्हारा मुहासिब बना दिया लिखने वाले फरिश्तों की सिफात कुरान मजीद में बयान हुई है वह इन्ना अलई कुमल किरामन कातिबीना कातबीना या लमुना मातफलून हालांकि बिला शुबा तुम पर यकीनन निगहबान मुकर हैं जो बहुत इज्जत वाले हैं लिखने वाले हैं वो जानते हैं जो तुम करते हो फिर अल्लाह ताला से फरिश्ते पूछकर भी लिखते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐरब तेरा फलाम बंदा गुनाह करने का इरादा कर रहा है अल्लाह बावजूद इसके कि उसे खूब देख रहा होता है फरिश्ते से फरमाता है कि उसकी निगरानी करते रहो अगर ये गुनाह कर बैठे तो सिर्फ इतना ही लिखना जितना उसने किया और अगर गुनाह छोड़ दे तो उसके लिए नेकी लिख देना क्योंकि उसने गुनाह मेरी वजह से छोड़ा है बाएं फरिश्ते की खास जिम्मेदारी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक बाएं तरफ वाला फरिश्ता छह छड़िया मुसलमान गुनागार बंदे से अपना कलम उठाए रखता है यानी गुनाह करने के बाद भी वो छह घड़िया कलम उठाए रखता है फिर तो अगर वो शर्मिंदा हो और अल्लाह से इस गुनाह से इस्तिग़फ़ार कर ले तो वो कलम रख देता है लिखता नहीं वरना एक गुनाह लिख देता है इसी तरह जो लोग सो रहे हों ना बच्चे मजनून और पागल जब तक कि उन्हें होश ना आ जाए इन सब से भी कलम उठा लिया गया है इनके अमाल नामे नहीं लिखे जाते क्योंकि इनको तो कुछ समझ ही नहीं तो नाम अमाल किस लिए लिखे जाएंगे ताकि वो इंसान पर गवाह बन सकें रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मेरे बंदो ये तुम्हारे आमाल हैं कि जिन्हें मैं तुम्हारे लिए शुमार कर रहा हूँ फिर मैं तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला दूंगा तो जो आदमी बेहतर बदला पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो बेहतर बदला ना पाए तो वो अपने ही नफ्स को मलामत करे यानी खुद इंसान के लिए ये सब कुछ लिखवाया जा रहा है ताकि कल को इंसान इनकार ना कर सके कि मैंने तो यह किया ही नहीं था जरा बराबर खैर भी नाम आमाल में महफूज कर लिया जाता है सूरत अज़लज़ला में आता है फमै या अमल मिसकाल खरा वमई या अमल मिसकाल शर रैरा जिसने जर्रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा भर बदी की होगी वो भी उसे देख लेगा नेकियां और गुनाह दोनों लिखे जाएंगे इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब तबारक से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने नेकियां और बुराइयां लिखी फिर उनको बयान फरमाया बस जिसने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल न कर सका अल्लाह ने उसके लिए अपने पास एक मुकम्मल नेकी का बदला लिखा अगर उसने इरादे के बाद अमल भी कर लिया तो अल्लाह ताला ने अपने पास उसके लिए दस नेकियों से लेकर सात सौ तक बल्कि इससे भी ज्यादा लिखा और जिसने किसी बुराई का इरादा किया फिर उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ने उसके लिए अपने पास एक मुकम्मल नेकी लिखी और अगर उसने इरादे के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ने उसके लिए सिर्फ एक बुराई लिखी इसी तरह बीमारी या सफर की वजह से अगर कोई शख्स कोई काम नहीं कर सकता तो वो उसके लिए लिख दिया जाता है यानी अगर नहीं भी कर पा रहा तो भी जो सेहत की हालत में और घर में रहते हुए वो करता था वो सफ़र की हालत में भी वो सारे अमाल उसके नाम अमाल में लिखे चले जाते हैं रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई बंदा बीमार होता है या सफ़र में जाता है तो उसके वो तमाम अमाल लिख दिए जाते हैं जो वो हालत क़याम और ज़माना तंदरुस्ती में किया करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुसलमान आदमी बीमार होता है तो अल्लाह ताला अमाल लिखने वाले फरिश्तों से कहते हैं कि यह बंदा अपनी सेहतमंदी में जो बेहतरीन अमाल करता था उनके मुताबिक इसका अजर वबाब लिखते जाओ यहाँ तक कि मैं इसे शिफा अता कर दूँ तो इसलिए बंद मोमिन के लिए तो बीमारी भी एक रहमत है कि उसको बीमारी पर सब्र करने का तकलीफ़ उठाने का भी अजर मिलता है और उसके साथ साथ उसके नाम अमाल में नकियाँ भी लिखी जाती हैं इसी तरह जो शख्स अच्छी नीयत रखता और फिर काम नहीं कर सकता तो उसकी नीयत की वजह से भी उसको अजर मिलता है तहजद के लिए अगर कोई नीयत करके सोए लेकिन उसकी आंख ही नहीं खुली और वो तहजुद उसके रह गए तो फिर भी उस, उस न उठ सकने के बावजूद उसकी नीयत की बिना पर उसको सवाब मिल जाता है और उसकी नींद उसके रब की तरफ से उस पर सदका होती है फिर अगर कोई माकूल उजर हो

और न किसी दुश्मन से कोई कामयाबी हासिल करते हैं मगर उसके बदले उनके लिए एक नेक अमल लिख दिया जाता है यकिन अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता यानी ये उन लोगों के बारे में आयत उतरी थी जो जंग तबूक से पीछे रह गए थे क्योंकि उनके पास सवारियाँ नहीं थी वो साथ नहीं जा सकते थे तो उनको ये उनके बारे में कहा गया कि जहाँ जहाँ भी लश्कर जा रहा है ये उनके साथ हैं और उनके लिए भी नेक अमल लिखा जा रहा है क्योंकि उनका सच्चा इरादा था जाने का इसी तरह मस्जिद की तरफ जाने वाले कदम भी लिखे जाते हैं बनुसलमा के लोग मदीना के कोने में मस्जिद से दूर रहते थे उन्होंने मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा किया तो यह नायद नाजिल हुई इन्ना नह नक तुब माकदम व आसारहुम बेशक हम ही जिंदा करेंगे मुर्दों को और हम लिख रहे हैं जो उन्होंने आगे भेजा और उनके आसार भी तो रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम्हारे निशानात कदम लिखे जा रहे हैं यानी इंसान अपने पाँव से चल कर जिस ज़मीन पर भी जाता है वो ज़मीन भी गवाह बनेगी और उन वो कदम अगर नेकी के काम में है तो सवाब के तौर पर लिखे जाएंगे और अगर किसी बुरे काम से और बुरे इरादे से इंसान निकला है या उठा अपनी जगह से तो वो वो कदम उसके बुराई के लिए यानी बुराई के खाने में लिखे जाएंगे इसी तरह तवाफ में उठाए गए क़दम वो भी लिखे जाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स गिन कर तवाफ के साथ चक्कर लगाए और दो रकत नमाज पढ़े तो ये एक गुलाम आज़ाद करने के बराबर है यानी सवाब है और जो शख्स एक कदम भी उठाता या रखता है यानी एक उठाता है एक रखता है एक उठाता है एक, एक, एक रखता है तो हर कदम पर उसके लिए दस नेकियां लिखी जाती हैं और उससे दस गुनाह मिटाए जाते हैं और उससे दस दर्जात बुलंद किए जाते हैं तो इससे इंसान अंदाजा कर सकता है कि कितना ज़्यादा है फिर हाजी की सवारी के कदम लिखे जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अपने घर से बैतुल हराम के इरादे से निकलते हो तो तुम्हारी ऊँटनी कोई कदम नहीं रखती और ना उसे उठाती है मगर अल्लाह ताला उसके साथ तुम्हारे लिए एक नेकी लिख देता है और तुमसे एक गुनाह मिटा देता है यानी हाजी सफर पर ही निकलता अपना एक कदम उठाता है सवारी पर बैठता है तो बाहिर तो ये इंसान कहते ना कि मेरा पता नहीं क्या सवाब है क्या नहीं मैं तो सवारी पर बैठा हुआ हूँ लेकिन उसका भी बेहद बता दिया गया कि अगर यानी कि सवारी पर वो अल्लाह के काम के लिए निकलता है बैतलहराम की तरफ़ निकलता है तो जो कदम सवारी उठाती है वो उस हर कदम के लिए नेकी लिखी जाती है फिर इसी तरह सलाम करना और सलाम का जवाब दिया जाना इसमें भी यानी इंसान के लिए नेकियां लिखी जाती हैं सहल बिन हुनैफ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अस्सलाम वालेकुम कहा उसके लिए दस नेकियां लिखी जाएंगी जिसने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहा उसके लिए बीस नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने अस्सलाम वालेकुम व वा बरकतु कहा उसके लिए तीस नेकियां लिखी जाएंगी इसी तरह जो तस्बीहात हम पढ़ते हैं आपने फ़रमाया अल्लाह ने चार कलिमात चुने हैं सुभान वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर जिसने सुबहान कहा उसके लिए बीस नेकियां और बीस बुराइयां मिटा दी जाती जिसने अल्लाह अकबर कहा उसके लिए भी इसी तरह और जिसने ला लाला कहा उसके लिए भी इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कहा उसके लिए भी यानी चार कलम पे हर कलमा कहने पर ये नेकियां लिखी जाती हैं और साथ बुराइयां भी मिटाई जाती हैं इसी तरह घर वालों पे खर्च करने और मरीज की इयादत करने का सवाब भी लिखा जाता है रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह की राह में अपनी जायद चीज़ खर्च कर दे तो उसका सवाब सात सौ गुना तक होगा तो अगर जरूरत की चीज खर्च करे तो कितना ज्यादा सवाब होगा और जो अपनी जात पर और अपने अहल खाना पर खर्च करे या किसी बीमार की इयादत या तकलीफ देह चीज को रास्ते से हटा दे तो हर नेकी का बदला उसके मिसल दस नेकियां होंगी इसी तरह जानवर की खुराक के दाने के बदले नेकी लिखी हर हर दाने के बदले नेकी लिखी जाती है रोह बिन जम्बा कहते हैं कि एक मरतबा वो तमीम दारी के यहां मुलाकात के लिए गए वहां पहुंचकर देखा कि वो खुद अपने घोड़े के लिए जौ के दाने साफ कर रहे हैं हालांकि उनके अहले खाना भी वहीं थे रोह उनसे कहने लगे क्या इनमें से क्या इनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता इन्हें घर वाले नहीं कर सकते तमीम ने फरमाया क्यों नहीं लेकिन बात यह कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो मुसलमान अपने घोड़े के लिए जौ के दाने साफ करे फिर उसे वो खिला दे तो उसके लिए हर दाने के बदले में एक नेकी लिखी जाएगी फिर इसी तरह अल्लाह के रास्ते में रखे गए जानवर के आसार लिखे जाना पहले ज़माने में तो जाहिर है कि जानवरों के ऊपर सवारी की जाती थी आज के दौर में गाड़ियाँ हैं तो उसी एतबार से जो शख्स नेकी के कामों के लिए अपनी सवारी रखता है तो उसके लिए उसी तरह अजर है फिर इसी तरह लोगों को माफ करना लिखा जाता है रसूल ने फरमाया तुमसे पहले आदमियों में से एक आदमी का हिसाब लिया गया तो उसके पास कोई नेकी नहीं थी मगर यह कि वो लोगों से लेन देन किया करता था वो मालदार आदमी था अपने गुलामों को हुक्म देता कि वो तंग दस्त से दरगुजर करें यानी जो हालात तंग है नहीं दे सकता कर्जा वापस ना दे या कोई चीज खरीदना चाहता है और पैसे नहीं है उसके पास तो उसको छोड़ दें आधे छोड़ दें पूरे छोड़ दें और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया हम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि कि हम, कि तुम भी दरगुज़र करो, यानी फरिश्तों से कहा कि तुम भी इससे दरगुजर करो फिर इसी तरह लोगों की तकलीफ परेशानी दूर परेशानी को दूर करेगा और जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दा पोशी फरमाएगा यानी उसके ऐब ज़ाहिर नहीं करेगा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान दूसरों की हिम्मत ना करे दूसरों की ऐब जोई ना करे दूसरों की बुराइयाँ दूसर, किसी और के सामने जाहिर ना करे फिर तो रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना रसूल अल्लाह वसल्लम ने फरमाया जिसने मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाई कोई फर्नीचर है कोई ईंट पत्थर है किसी किस्म की कोई भी चीज अल्लाह उसके लिए एक नेकी लिखेगा और जिसके लिए अल्लाह नेकी लिख देता है उसे उसकी वजह से जन्नत में दाखिल कर देता है फिर जिस तरह नेकियां लिखी जाती हैं इस तरह गुनाह भी लिखे जाते हैं तो इससे भी डरना चाहिए छोटे छोटे गुनाह भी लिखे जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया आयशा मामूली गुनाहों से अपने आप को बचाओ क्योंकि अल्लाह जल्ला के यहां इनकी भी तफ्तीश हो सकती है, फिर भी लिखी जाती है। तो दोबारा ना डालो क्योंकि पहली नजर तुम्हें माफ है दूसरी नहीं फिर राजों और सरगोशियों का लिखा जाना यानी राज और विस्परिंग जो है चुपके चुपके जो बातें की जाती हैं ये भी फरिश्ते सुन लेते हैं और वो भी लिख लेते हैं जुखरुफ में आता है अम यह सबून अन्ना ला अन्ना ला नस्मा सर हमजबाह हम बला वरुसना लदई हम यख या वो गुमान करते हैं कि बेशक हम इनका राज और इनकी सरगोशी नहीं सुनते क्यों नहीं और हमारे भेजे हुए इनके पास लिखते रहते हैं बला वरुसना लदई हम फिर मामूली ख़यानतें भी लिखी जाती हैं नबी सल्लल्लाहु सल्ला वाल गनीमत में से एक जानवर की पेशानी के बाल पकड़ते और फरमाते इसमें से मेरा भी वही हिस्सा है जो तुम में से किसी का है सिवाय खुम्स के और वो भी तुम पर ही लौटा दिया जाता है लिहाजा धागा और सुई या इससे भी कम दर्जे की चीज़ हो तो वापस कर दो और ख़यानत से बचो क्योंकि वह क़्यामत के दिन ख़ायन के लिए बायस आर वदामत होगी फिर इसी तरह मस्जिद में गंदगी फैलाना भी लिखा जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पे पेश किए गए नहीं लिखे हुए पेश किए गए दिखाए गए तो मैंने उनके बुरे अमाल में से मस्जिद में थूकना और उसका दफन ना करना पाया फिर गलाजत फैलाना नबी वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने किबला रुख थूक दिया वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसका थूक उसकी दोनों आंखों के दरमियान होगा यानी परेशानी पे लगा हुआ होगा फिर इसी तरह तन्हाई में किए गए हराम काम भी लिखे जाते हैं क्यामत के दिन नामा अमाल किस तरह पेश होगा इसके बारे में है कि सबसे पहले लोग कब्रों से उठाए जाएंगे हॉर्न जब यानी जब सूर फूका जाएगा

और हम लोगों को जमा करेंगे तो उनमें से किसी को भी बाकी ना छोड़ेंगे फिर हशर के मैदान में लोगों को नाम अमाल थमा दिए जाएंगे सारी मखलूक जब इकट्ठी हो जाएगी तो नाम अमाल बांट दिए जाएंगे और जब तक अल्लाह चाहेगा वो हशर के मैदान में नंगे पाओ नंगे जिसम खड़े रहेंगे और जब हिसाब का वक्त आ जाएगा जिनसे अल्लाह हिसाब लेना चाहेगा तो अल्लाह उनके नाम अमाल को लाने का हुक्म देगा जिसको मज्ज़ लिखने वालों ने यानी फरिश्तों ने लोगों के अमाल को जिक्र करके लिखा होगा तो वो उन नाम अमाल को ले आएंगे फिर कुछ लोगों को दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा ये खुश नसीब लोग होंगे कुछ को उनका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा या उनकी पुष्ट के पीछे से दिया जाएगा तो ये बदबक लोग होंगे फिर उसके बाद हर इंसान अपना नामा अमाल पढ़ेगा कि मैंने क्या किया अपनी डायरी पढ़ेगा फिर फैसले का इंतजार करेगा इतना इंतजार के आंखें फटी हुई होंगी फट जाएंगी थक जाएंगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अगलों और पिछलों को खड़े होने की हालत में एक मुकर्रर दिन के लिए जमा करेगा जिसका एक दिन चालीस साल का होगा उनकी आंखें फटी हुई होंगी और ऊपर को उठी हुई होंगी और वो मुकदमों के फैसलों का इंतजार कर रहे होंगे अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे क्योंकि कितना मुश्किल वक्त होगा ये हशर का दिन बहुत लंबा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत की यौम योमय नासर रबालमीन और फरमाया उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब अल्लाह तुम्हें पचास हजार साल के लिए इस तरह इकट्ठा करेगा जिस तरह तीर को गुमान में डाला जाता है और फिर अल्लाह ताला इतना अरसा तुम्हारी तरफ नज़र भी नहीं करेगा यानी कितना सख्त दिन होगा और हशर के दिन कितनी सख्त गर्मी होगी सूरज करीब आ जाएगा हर शख्स अपने पसीने में डूबा हुआ होगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के लिए सारे हिसाब शुरू करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात होगी और इसमें हम देखते हैं कि जब लोग लोगों को क़यामत के दिन बहुत लंबा महसूस होगा तो वो एक दूसरे से कहेंगे आदम आदमी सलाम के पास चलते हैं वो अबुल बशर हैं कि वो अपने रब अज़ वजल्ला के सामने हमारी सफ़ारिश कर दें ताकि वो हमारे दरमियान फ़ैसला शुरू कर दें चनाचे सब लोग आदम के पास आएंगे वो कहेंगे मैं इस काम का अहल नहीं हूँ मुझे मेरी एक ख़ता की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था आज तो मुझे सिर्फ़ अपनी फ़िक्र है अलबा तुम नू आ के पास चले जाओ जो तुम्हारे अम्बिया के बुनियाद हैं चनाचे वो नू आ के पास आएंगे वो भी यही कहेंगे कि मैं इसका अहल नहीं हूँ तुम खलील इब्राहिम के पास चले जाओ अलैहिस्सलाम तो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो भी यही कहेंगे कि मैं इस काम का अहल नहीं हूँ बिला आखिर लोग नबी सल्लाम के पास आएंगे, वो मुझसे कहेंगे कि ए मोहम्मद हमारे लिए अपने रब से सफ़ारिश कर दे कि लोग कि वो हमारे दरमियान फैसला कर दे बस मैं अल्लाह के लिए सजदा करता हुआ गिर पड़ूँगा और उसकी ऐसी हमद बयान करूंगा जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं की होगी और ना ही किसी और ना ही उसकी ऐसी हमद मेरे बाद कोई बयान करेगा फिर कहा जाएगा कि ए मोहम्मद अपना सर उठाइए आपको दिया जाएगा कहिए सुना जाएगा सफारिश कीजिए सफारिश कबूल की जाएगी तो यह है नबी वसल्लम की सफारिश क़यामत के दिन फिर हर उम्मत को भी उसके नाम अमाल की तरफ बुलाया जाएगा कुल कुल्लू उम्मुदाला किताबिहा जिसके दाएं हाथ में नाम अमाल दिया गया उसका हिसाब आसान होगा और जिसका नाम अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो हलाकत को पुकारेगा और भड़कती आग में दाखिल होगा दाएं हाथ में नाम अमाल मिलने वाले खुशबख्त होंगे फ अम्मा अमन ऊतिया किताब हु अमीन ही हा उकर किताबिया इन्नी जनन अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़ह वफ़ी ईश तिया सो जिसे उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया तो वो कहेगा कि पकड़ लो लो पकड़ो मेरा नामा अमाल यकीनन मैंने समझ लिया था यानी मुझे यकीन था कि बेशक मैं अपने हिसाब से मिलने वाला हूँ बस वो एक खुशी वाली ज़िंदगी में होगा एक बुलंद जन्नत में होगा और जो बाएं हाथ में जिनको मिलेगा वो हसरतों का शिकार होंगे वो कहेगा काश मुझे मेरा नाम अमाल ना दिया जाता और काश मैं ये ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है आकाश वो मौत काम तमाम कर देने वाली होती यानी मर जो मैं मर गया था बस वहीं से काम ख़त्म हो जाता मेरा माल किसी काम ना आया मेरी हुकूमत मुझसे बर्बाद हो गई फिर अल्लाह ताला हक के साथ फ़ैसले करेंगे नाम अमाल सामने होगा अंबिया गवाह होंगे नाम अमाल सामने खोला जाएगा वकुल्ल इंसान इन अलजमना हुता इरा हुफी उन की वनुखरजुल्हू योमलकियामती किताब ही अलका इकरा किताबक कफ़ा बिनाफ सिकोम अली का हसीबा और हमने हर इंसान का नसीब उसकी गर्दन में लाजिम कर दिया है कयामत के दिन हम उसके लिए एक किताब निकालेंगे जिसे वो खुली हुई पाएगा अपनी किताब पढ़ आज तो खुद अपने आप पर बतौर मुहासिब काफ़ी है यानी हर इंसान अपना हिसाब खुद कर लेगा कि वो क्या डिज़र्व करता है तमाम आमाल सामने हाजिर कर दिए जाएंगे व योम तजिदकुल्लु नबसे मा अमिलत मिन मिन महदरा व मा अमिलत मनसु जिस दिन हर शख्स हाजिर किया हुआ पाएगा जो उसने निकी में से किया और जो भी उसने बुराई में से किया और चाहेगा काश उसके और बुराई के दरमियान दूर का फ़ासला होता इंसान को उसके अगले पिछले तमाम अमाल बता दिए जाएंगे यूनब उल इंसान इज़ इन बिमा कदम ब अखर इंसान अपनी किताब पढ़ेगा पोशीदा बातें ज़ाहिर होंगी यौमा इज़िन तो अला तख्फ़ा को खाफिया सीनों के भेद खुल जाएंगे मा आफ सुदूर इन न यौमा योम खबीर, हर शख्स अकेला अकेला, अकेला अल्लाह के सामने पेश होगा नामा अमाल की जांच पड़ताल होगी मुंह पे मोहर लग जाएगी आजा गवाही देंगे और सबसे पहले जो चीज इंसान की बोलेगी वो उसकी रान और हथेली होगी नियतों से हिसाब का आगाज होगा क्यामत के दिन सबसे पहले जिसके खिलाफ फैसला किया जाएगा वो शहीद होगा उसको नेमतें याद कराई जाएंगी पूछा जाएगा नेमतों को पाकर क्या किया वो कहेगा मैंने तेरे रास्ते में लड़ाई की यहां तक कि मुझे शहीद कर दिया गया फरमा अल्लाह ताला फरमाएगा तो उन्हें झूठ बोला तुम इसलिए लड़े थे कि तुम्हें बहादुर कहा जाए सो कह दिया गया यानी सबसे पहले हिसाब इनसे शुरू होगा फिर उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा कि इसको मुंह के बल घसीटा जाए यहां तक कि आग में डाल दिया जाए इसी तरह जिस शख्स ने इल्म हासिल किया उसका भी यही हाल होगा और जिसने माल खर्च किया खूब उसका भी यही हाल होगा हकूकुल्ला में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा फिर इसी तरह मोमिन के गुनाहों को पेश किया जाएगा और वो डर रहा होगा अल्लाह सुबहान उसे उसके गुनाहों का इकरार करवाएगा फिर अल्लाह ताला फरमाएगा क्या तू पहचानता है इनको वो कहेगा अः रब मैं पहचानता हूँ अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दा डाला और आज के दिन तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ फिर उसे उसकी नेकियों का अमाल नामा दे दिया जाएगा कुफार और मुनाफिकीन की एलानिया तजलील की जाएगी पुकार कर बुलाया जाएगा और कहा जाएगा ये हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह पे झूठ बांधा अल्लाह से बनाना बहुत बारीक बीनी से हिसाब करेंगे हकदारों के हकूक के लिए बार बार पेशी होगी फिर इसी तरह जुल्म की वजह से क्यामत के दिन नेकियां मिट जाएंगी अब्दुल्लह बिन मसूद कहते हैं नबी ने फरमाया, बेशक शैतान सरजमीन अरब पर बुतों की इबादत से मायूस हो चुका है लेकिन वो इसके अलावा तुमसे मामूली बुराइयां करवा कर राजी हो जाएगा और वो मामूली बुराइयां क़यामत के दिन हलाक कर देने वाली होंगी अपनी ताकत के मुताबिक जुल्म से बचो क्योंकि बंदा क़यामत के दिन नेकिया लेकर आएगा और वह समझेगा कि वह निजात दिला देंगी और दूसरा बंदा मुसलसल कह रहा होगा अरब तेरे इस बंदे ने मुझ पर म किया था तो अल्लाह ताला फरमाएगा इसकी नेकियों में से मिटा दो और इसी तरह होता रहेगा यहां तक के गुनाहों की वजह से उसकी एक नेकी भी बाकी ना रहेगी तो इससे अंदाजा लगाएं कि कितना जरूरी है एक तकवा वाली जिंदगी गुजारना एक मोहताज जिंदगी गुजारना क्यामत के दिन ज़ालिम से मजलूम को किसास दिलाया जाएगा वो शख्स जिसके पास ढेरों नेकियां होंगी लेकिन उसने साथ दूसरों को तकलीफ दी होगी किसी को गाली दी होगी किसी पे तोहमत लगाई होगी किसी का माल खाया होगा किसी का खून बहाया होगा किसी को मारा होगा तो उन सब लोगों की नेकियां उन सब लोगों को इस आदमी की नेकियां दे दी जाएंगी और अगर उसकी नेकियां उनके हुकूक की अदायगी से पहले ही खत्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह उस आदमी पर डाल दिए जाएंगे फिर उस आदमी को आग में डाल दिया जाएगा फिर तो इसी तरह अमाल को तोला जाएगा यानी पेश होने के बाद फिर अमाल तोले जाएंगे अब्दुल्ला बिन कैस कहते हैं लोगों को क्यामत के दिन तीन मरतबा पेश किया जाएगा पहली दो मरतबा पेश होने में बहसों में होगा और उजर पेश किए जाएंगे और जहाँ तक तीसरी मरतबा का पेश होना है तो उस वक्त लोगों के हाथों में नामा अमाल पहुँच जाएगा तो कुछ लोग अपना नामा अमाल दाएँ हाथ में लेंगे और कुछ बाएं हाथ में लेंगे इंसाफ के तराजु रख दिए जाएंगे किसी पर कोई जुल्म ना किया जाएगा क़यामत के दिन इतने बड़े तराजू रखे जाएंगे कि उनमें आसमान और जमीन का भी वजन किया जा सके हर छोटी बड़ी बात का वजन किया जाएगा बंदों को भी तोला जाएगा अल्लाह के नेक बंदों का वजन कहीं ज्यादा होगा इब्न मसूद से रिवायत है कि एक वो पीलू की चुन रहे थे। उनकी पिंडलियां पतली थी जब हवा चलती तो वो लड़खड़ाने लगते लोग ये देख कर हंसने लगे तो आपने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो लोगों ने कहा अल्लाह के नबी इनकी पतली पतली पिंडलियाँ देख कर आपने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है ये दोनों पिंडलियाँ मीज़ान में ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा भारी हैं दुनिया में तो हमें वज़न ज़्यादा होने की परेशानी हो जाती है लेकिन वहाँ वो खुशकिस्मत होगा जिसका वज़न नेकियों की वजह से अच्छे अमाल की वजह से ज़्यादा होगा जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं उसकी मुलाकात का इनकार करते हैं उनके लिए उनके नेक नेकमाल को उन्हें उनके नेक नेकमाल का कोई बदला नहीं मिलेगा जाया हो जाएंगे क्योंकि ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे फिर इसी तरह मीजान में भारी अमाल कौन से हैं इल्लल्लाह इला अगर आसमानों और जमीन और उनके दरमियान मौजूद तमाम चीजों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और ला इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में तो यह दूसरा पलड़ा झुक जाएगा फिर हुसन अखलाक बेहतरीन नेकी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मीजान में हुसन अखलाक से ज्यादा बारी चीज कोई नहीं फिर लंबी खामोशी यानी इंसान बग़ैर जरूरत बात ना करे आपने फ़रमाया तुम अच्छे अखलाक और तवील ख़ामोशी को लाजिम पकड़ो और उस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है मखलूक़ात ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो इन दो नेकियों के बराबर हो कौन सी दो नकियाँ अच्छे अखलाक और तवील ख़ामोशी फिर इसी तरह त, दो कलमात तराजू में बहुत भारी हैं और ज़बान पर हल्के हैं लेकिन रहमान को बहुत अजीज़ हैं सुबहान अल्लाह भी हम दी ही फिर मीजान को आधा भर देने वाला अमल क्या है एक दफा कहना। मीजान को पूरा भरने वाला अमल अल्हम्दुलिल्लाह है सुबह अल्लाह निस मीजान भरता है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फिर इसी तरह नमाज जनाजा अदा करना और दफनाने तक साथ रहना ये ओह पहाड़ से ज्यादा वजनी अमल है इसी तरह औलाद की वफ़ात पर माँ बाप का सब्र हो तो उसमें वो भी मीज़ान में बहुत भारी है और हमें इसके लिए दुआएं भी करनी चाहिए रबना ला तुज खुलू बना बाद इजहदई तना वबला ना मिल्ला दुन का रहम इन् न का अंतल बहाब रबना का जाम उन्ना सिली ओमिल्ला रई बफ़ी इन्खल फिल्म याद हमारे रब हमारे दिल टेढ़े न कर इसके बाद के तूने हमें हिदायत दी और अपने पास से रहमत अता फरमा बेशक तू ही बेहद अता करने वाला है ऐ हमारे रब तू सब लोगों को उस दिन के लिए जमा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं बेशक अल्लाह वादे की वर्जी नहीं करता दुनिया और आखिरत में भलाई की दुआ करनी चाहिए रबना आतना फिर दुनिया हसन वफिल आख़रत हसन वकीना अजाबनार ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले यानी दुनिया में नेकी करने की तौफीक दे और आखिरत में उन नेकियों का बदला भी अता फरमा अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए اللهم اني اسالوك العافيهۃ فی الدنيا والआखरा फिर अल्लाह ताला से जन्नत के करीब ले जाने वाले आमाल आ, का सवाल करना चाहिए अलाउम इन्नी असअलकल जन्नता व माँ करबा अन क़ोिन व अमल व आउज़बी का मिनन्नार व माँ करबा इन कौलिन अमल फिर आखरत के दिन की रसवाई से बचने की दुआ मांगना रबना व आतिना माँ व अतना अला रसुल का व ला तुख जना यो मल़ियामा इन् कला तुख्लिफ़ुलमी आद अतु़िनी योमल्क़ियामा अल्लाह मनी अवज़िक मनजीक दुनियावजी की योमिल किया करने के काम यह है कि इंसान इस बात का एहसास करे अमाल लिखे जाएंगे और बुरे आमाल भी लिखे जाएंगे लिहाजा हर चीज़ जब लिखी जाएगी तो मुझे नेकियां ज़्यादा करनी हैं और बुराइयां छोड़ देनी हैं ये सोचते रहना है कि आज अमल का वक्त है इसलिए नामा आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकमाल हों फिर अपने नामा अमाल को देख कर खुश होने के लिए कसरत से इस्तार करें अब्दुल्ला बिन बसर कहते हैं नबी सल्हल ने फ़रमाया मुबारक हो उसको जो अपने नामा अमाल में कसरत से इस्तार पाए यानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तार करना चाहिए दुनिया में ही अपना मुहासबा कर लेना चाहिए अपनी ज़ात का ख़ुद मुहासबा करना चाहिए हसन बसरी कहते हैं कि मोमिन अपनी ज़ात पर निगरान है वो अल्लाह अजा वजल्ला के लिए अपना मुहासबा करता है और अपना मुहासबा ऐसे करें जैसे किसी दूसरे इंसान का मुहासबा किया जाता है और दुनिया में ही अपने हकूक़ की माफ़ी मांग लें यानी दूसरों से अपने हकूक़ माफ़ करवा लें उनके यानी अगर हक़ में कोई कमी हुई हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने किसी भाई पे जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि उससे दुनिया में ही माफ़ करा ले इसलिए कि आखिरत में रुपए पैसे नहीं होंगे इससे पहले माफ़ फरमा ले माफ़ करा ले कि उसके भाई के लिए उसकी नेकियों में से हक़ दिलाया जाएगा और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो उस मज़लूम भाई की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी इंसान सोच समझ कर ये ज़िंदगी बसर करे तकवा वाली ज़िंदगी बसर करे और कोई ऐसा काम ना करे कि जो इंसान के हसनात की बजाय सयात में लिखा जाए और इसमें नीयत का भी बहुत बड़ा अमल दखल है बज़ाहिर देखने में कुछ काम बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमल में हकीक़त में वो ना दाएँ तरफ़ लिखे जाने के बजाय नीयत की खराबी की वजह से बाएं तरफ लिखे जाएंगे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله